पर शादी में तैयार होके आइएगा। ये एक बार ये मैंने ट्राई कर लो। और साथ में है राज कचौड़ी। अरे रिश्ते में दस मिनट हैं, लोग पहचान गए। और ये कुछ भी ऐसे कल भी आवाज भी खराब ही चल रही थी मेरे साथ। बाबा और उनका तीसरा बच्चा बिल्कुल बात नहीं मानते। चलो स्टार्ट हो गया। इसकी स्क्रीन लगा रही थी, स्क्रीन भी मंगवाई मैंने। हम कहाँ पे हैं अभी? हाय टू मम्मी। मम्मी बैठी हैं यहाँ पे। और आज हमें शॉपिंग करने जाना है दीक्षा की। मेरी नहीं, इसकी करनी है। हाँ चलो आपको तो फिर की शेरवानी शोरूम में लेके जाएंगे, फिर दिखाते हैं कि कितना गंदा टेस्ट है दीक्षा का कुर्ते पजामे के लिए। चलो ओके आज हाँ जी हाँ मैं खिचड़ी खाता हूँ। दीक्षा डजंट बिलीव इन हैविंग इट। चलो इट्स टेक यू इन द ह्यूमिड एंड हॉट एनवायरनमेंट। सो वी हैव ब्रॉट दिस डिवाइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली ना? या ये हमारा घर है इन दिल्ली। और बहुत ही ठंडा हो रहा है मौसम जुलाई के महीने, अगस्त के महीने में दिल्ली में। अच्छा जनकपुरी में वन थिंग दैट आई फेल्ड इज दैट आई ऑलवेज फील लॉस्ट व्हेनेवर आई कम हियर। देयर आर सो मेनी गेट्स। जब आप इनके घर से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे ब्लॉक्स बने हैं, जैसे हम किसी सपोज ए ब्लॉक में हैं। यहाँ पे कोई कैब वाला भी नहीं आता, चढ़ जाता है। हाँ तो हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में। हम जा रहे हैं मान्यवर। हाँ वी आर गोइंग टू मान्यवर। शादी में तैयार होके आइएगा। हाँ तो शी हैज टेकन दैट कैप्शन टू सीरियसली एंड नाउ वी आर हेडिंग टू अ प्लेस जहाँ से वी विल शॉप फॉर सम एथनिक वेयर फॉर मी नॉट माई वेडिंग। मेरी वेडिंग हो चुकी है तो इससे तो वहाँ जाके फिर वी विल सी। हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर, यहाँ बहुत शोर शराबा बहुत होता है। सो नाउ वी हैव रीच्ड मान्यवर। दिस इज नॉट अ ब्रांड प्रमोशन, वी आर जस्ट बिलीविंग दैट वी विल गेट समथिंग वर्थी हियर। ऑलराइट तो अभी हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज बेस्ट फॉर अस देन वी विल पिक इट फॉर अस। या एक बार ये मैंने ट्राई कर लो। हां कर ले, स्टाइल भी अलग है ना। हां ये देखो। सो फाइनली वी हैव सिलेक्टेड अ कुर्ता फॉर अस। वी वर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन इंडो वेस्टर्न एंड kurta style and after scanning through a few options we have narrowed down to one of them that I'm going to wear and she got it and she was thinking that it's already yeah really no even we still look like young people falling in love and marrying that's a big compliment. तो अब हम जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी देखो शॉपिंग हो गई है बट वी कांट कलेक्ट इट राइट नाउ, सो वी हैव गिवन इट फॉर ऑल्टरिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक मोर डैशिंग इन दैट एंड इट शुड फिट वेल, सो वी हैव गिवन इट फॉर ऑल्टरिंग राइट। हाँ नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट द मदर प्लान ऑल्सो। मुझे राखी लेनी है। वी हैव टू थिंग्स टू डू राइट नाउ, वन राखी अनदर ईट बिकॉज वी आर ड्रेनिंग। मुझे वी हैव वन स्पॉट दैट इज आवर यूजुअल हैंग आउट प्लेस, सो वी विल गो टू हल्दीराम एंड देन लिव आवर नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स अगेन ओवर देयर। हम आ चुके हैं हल्दीराम पे। ये मेरा फेवरेट ढोकला है, सैंडविच ढोकला। और साथ में है राज कचौड़ी। करण की शॉपिंग के बाद यहाँ दिल्ली के हल्दीराम में आने का मज़ा ही अलग है। तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। त्योहार का टाइम है राइट? त्योहार का टाइम है। एंड व्हाट द बेस्ट प्लेस टू विजिट इफ यू वांट टू गेट अ टेस्ट ऑफ दिल्ली एक्साइटमेंट दैन हल्दीराम इटसेल्फ। अरे रिश्ते में दस मिलते हैं, लोग पहचान गए। और ये कुछ भी ऐसे कल भी आवाज भी खराब ही चल रही थी मेरे साथ। करण कल ना गुन्नू के ना वो मम्मी वाले पैसे भी निकाले 2100 रुपए। कोई टुडे इज रक्षाबंधन, हैप्पी राखी टू ऑल। वी आर ऑल गेटिंग रेडी। अभी हम कहीं जा रहे हैं, उसके बाद वी विल सेलिब्रेट राखी। आवर सिस्टर इज आल्सो एट होम टुडे। बाबा ऐसे देर कर दिया, वैसे 2 घंटे लेट कर दिया दीक्षा ने। चलो पास थोड़ा मौसम सही है वैसे दिल्ली में। अरे मेरा फोन तो ले लिया। मेरे पास नहीं है यार। करण क्या कर रहा है? वी हैव अ स्पेशल अरेंजमेंट टुडे, गिफ्ट्स, राखी, रिचुअल्स, एवरीथिंग विल फॉलो इवेंचुअली। इट्स अराउंड 12 o'clock। इट्स अ बिट नॉस्टैल्जिक टू
imagine how we used to celebrate Rakhi. When we were kids, there used to be many ways of getting together and celebrating this day. Everything that is with you is just memories and nostalgia. But we will try to recreate that with all those who are around us today. सब राखी आज आपको कैसा लग रहा है बताओ कैसा लग रहा है राखी रिमाइंड्स मी दैट एवरी ईयर आई कैन ट्रबल यू मोर एंड मोर मैं अभी तो नहीं आ रही चलो बैठो ना फिर बैठ जाओ दिशा को 1 किलोमीटर में भी मोशन सिकनेस का डर होता है वेरी हैप्पी राखी टू यू Have you observed one thing that after a few years when you grow older and your siblings are also apart, then your wife only ties that Rakhi on your wrist. Papa aur unka teesra bachcha. ये है दिल्ली का ट्रैफिक नेट से निकाल लेंगे क्या यार तुम ना बिल्कुल बात नहीं मानते कहा जल्दी निकल लेते बैठे हुए आराम से ये कोई आपकी बात नहीं है बहुत पहले से ही राखी जी ऐसे रख सकते ओके सो हम लोग आ चुके हैं अब राखी की शॉपिंग के लिए आप देख सकते हो एंड वी आर एंटरिंग टेकिंग गुन्नू टू शॉपर्स स्टॉप लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट डू वी गेट ठंडा देख वेडिंग गिफ्ट्स है अरे ये वाली देखना ये देखिए ये इनकी बहुत सारी शॉपिंग हुई है ये तीनों लोग इन लोगों ने अपनी बहुत शॉपिंग करी है और मुझे कुछ भी नहीं लेकर दिया है सो अब हम घर वापस जा रहे हैं हमने अभी तक राखी का कुछ शुरू नहीं करा है मुझे राखी का बहुत अरेंजमेंट करना है प्राइमरीली वी हैड टू गो टू द मार्केट टू फॉर सम शॉपिंग ऑन रक्षाबंधन फॉर आवर सिस्टर बट वी एंडेड अप बाइंग करण शॉर्ट्स आल्सो आई एम सेइंग दैट ऑन रिकॉर्ड दीक्षा कि आप भी वो शर्ट पहन सकते हो अब हम आ चुके हैं हल्दीराम पे हमारा स्टेप नंबर 2 नहीं गिरेगा She is doing my facial. Facial. And I hope that she has got better from last time. हाँ हाँ, better है आपका, बहुत अच्छे मिलेगी आपको यहाँ पे सर्विस। मैं बता रहा हूँ कितना है। यहाँ पे वेटिंग है वेटिंग, ये भी आ गए देखिए, हमारी ब्राइड भी आई है मेरे पार्लर में। Yes. नीचे रख दो उसको। क्या कर रही है दीदी बच्चे को बुला दे देखिए हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट आ गया है कैंडिडेट नंबर 2 इनको हम पहले अच्छा सा क्लीन अप देंगे बिल का और उसके बाद हम इनका स्क्रब करेंगे
फिर बाद में हम इनका पैक लगाएंगे और लास्ट में खीरे के जूस से साइन करेंगे, टोनिंग करेंगे, ठीक है? लेट्स गेट रेडी। इसको बस अपना नहीं नहीं अपने आप को धीरे कर ले। गिव यू टूर ऑफ गुन्नूज रूम। दिस इज गुन्नूज फेवरेट सॉफ्ट टॉय। इसका नाम है लेजी। लेजी Yeah, but this is also lazy. All the soft toys are lazy. That's the condition to be special to Gunnu. ये वाला lazy है। बाकी तो ये photo है दीक्षा मम्मी पापा की और ये दीक्षा की photo है। तो why is it Gunnu's room जब तेरी photo है हर जगह? हाँ Gunnu के ये photo है यहाँ पे। ये पापा कैमरा चाहे थोड़े से तो इसलिए you won't be able to bring him the camera। मेरे बाल सारे खराब कर दिए। तो साफ हो जाएगा उसमें। चलो अभी लड़ाई होने वाली है। इससे पहले हम इसको बंद कर देते हैं। ओके सी यू देयर। ओके बाय बाय बाय। और दीक्षा ने लगाया हुआ है गाना ना। ये दीक्षा गाना लगा के गई है इसमें। यू बोथ आर मेकिंग हर अनकंफर्टेबल। दैट गर्ल्स इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। अभी मैं सो के उठा हूँ। दैट्स व्हाई मे बी I'm not feeling so active right now in my words, but we have a long day tomorrow. Tomorrow is a function. You got to take rest. I did not take rest. For me, I can take an entire week's rest, but that's not on the cards. I'm not allowed to do that, right? ऐसे डांस करना था? हाँ. Very good. Last minute shopping is still left for Diksha. Who is here? The little princess. loop pe chal raha hai. Shopping done. Concealer chahiye tha. Aur chudiyan bhi le li. Phool subah le lungi. Oh, ye tumhe ko de di ho. Main list bana lungi kal ke liye. चलिए अब हम कुछ अपनी पेट पूजा करेंगे। टिक्की टिक्की बनी पड़ी है यहाँ पे। We were promised that we'll be given burgers as a refreshment for going for shopping and getting all the arrangements done for tomorrow's function. We have here burgers, burger buns. We have tikkiyan. Mummy has made it. We're going to make it now. How much चाय पियोगे? Enjoy the video. और इन्होंने भी मेहंदी नाना करते हुए लगा ही नहीं है। दीक्षा ने अभी तक सेलेक्ट ही नहीं करी कौन सी मेहंदी लगवानी है। ये गाना पिछले 3 घंटे से चल रहा है ना। तो मम्मी की लग चुकी है, गुन्नू की तो पैरों पे हाथों पे दोनों पे लग चुकी है ना। चलो अल्टीमेटली इसकी मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है। अब आफ्टर सर्चिंग फॉर हाफ एन आवर डांस करना, तभी तो मेहंदी लगवा रहे हैं ताकि तुम कुछ ना कर पाओ। इसके पैरों में भी लगवा दो। और आज है 14th August। ये है हमारा बैंक्वेट। तो अभी वी आर गोइंग टू द डीजे एंड गेटिंग आवर सॉन्ग्स लोडेड। ऑलराइट सो आवर डांस परफॉर्मेंस इज डन एंड नाउ आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रेस एट ऑल। इट इज फाइनली डन। द डांस फ्लोर इज आल्सो ऑन नाउ फॉर एवरीवन।
है।